सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3D एनिमेशन के बारे में। ब्रो प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ 3D गेम एंड कन्वर्ट इनटू एपिक प्लीज। आई एम योर बिगेस्ट फैन ब्रो, मेक अ वीडियो ऑन गेम मेकिंग इन 3D एंड राइट। नेक्स्ट वीडियो पर कंप्लीट गेम मेकिंग इन जी डेवलप। भाई गेम्स कैसे बनाएंगे खुद का हो तो बता। इजी गेम मेकिंग प्लीज। मोबाइल में गेम बनाओ यार। भाई गेम मेकिंग वीडियो बनाना है भाई, प्लीज गेम मेकिंग वीडियो दे दो। गेम मेकिंग वीडियो बनाओ। एंड्रॉइड में गेम कैसे बनाए? चुप, मैं नहीं बना सकता गेम मेकिंग वीडियोस पे, क्योंकि हमारे यहां एंट्री हो चुकी है इन भाई साहब की। So, आज मैं गेम मेकिंग वीडियो तो नहीं बना सकता। मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर भी गेम मेकिंग वीडियो ही बनाओ। ओके फाइन, ठीक है, मैं गेम मेकिंग वीडियो ही बनाता हूँ। So, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक रोमांचक सफर पे, जहाँ मैं आपको ऐसे 3 एप्स या सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बिना जावा स्क्रिप्ट के गेम्स बना सकते हो। एंड एक ऐप से आप बिना जावा कोडिंग के एंड्रॉइड में 3D गेम बना सकोगे और ऑनलाइन अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकोगे। एंड इसका नाम और एड्रेस वगैरह तो मैं एंड में ही बताऊंगा, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आई नो आप सबके एग्जाम्स करीब आ चुके हैं, इस वजह से यार कोडिंग सीखना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने छांड के 3 एप्लीकेशन ढूंढे हैं जिसमें आप बिना किसी जावा कोडिंग के गेम्स बना सकते हो। तो पहले बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है क्विक ऐप निंजा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पे, एंड यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है क्विक ऐप निंजा। एंड गाइस आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइस ये इतना ज्यादा हलवा है, मतलब गाइस इसमें आप बैठे बैठे गेम बना सकते हो, जिसको आप लिटरली एंड्रॉइड में इंस्टॉल कर सकोगे, जिसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड कर सकते हो। एंड आपको भाग कर आके यहाँ पे क्रिएट न्यू गेम पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 टेम्पलेट्स, जिसमें से आप तीनों को ट्राई कर लेना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट वाला। पहले मैं क्या करता हूँ, सी गेम एग्जाम्पल पे क्लिक करता हूँ। पहले गेम की एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। तो गेम की एग्जाम्पल ये है गाइस, आपको गज द इमोजी चैलेंज तो आपको पता ही होगा, इसमें आपको गज द इमोजी, गज द सेलिब्रिटी, गज द यूट्यूबर सब आपको मिल जाएंगे। एंड गाइस जो मेरा फेवरेट है वो है गज द यूट्यूबर। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बैक आ जाता हूं एंड यहां पे मैं यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूं। एंड इस टेम्पलेट का हम लोग यूज करने वाले हैं आज। एंड यहां पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, लैंग्वेज वगैरह का बोला। एंड डिजाइन पे आ देते हैं, डिजाइन आप देख सकते हो, तो थीम आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। मेरा फेवरेट तो सबसे ऊपर वाला, तो मैं ये रखूंगा। एंड बाकी आप यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, गेम प्ले और कंप्लीटेड हिंट्स, गेट कॉइन, बहुत सारे ऑप्शन आप देख सकते हो। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको सिंपली कंटेंट पे आ जाना है एंड यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे आपका ब्राउजर खुल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कोई भी फोटो वगैरह जो भी आपको बनाना है, गेम जिस टाइप का भी बनाना है तो आप रख देना। जैसे मैंने गेम का फोटो डाल दिया कॉल ऑफ ड्यूटी का। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गज द गेम, यानी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा गज द गेम। एंड जो आंसर होगा वो मैं लिख देता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, यानी अगर जिसने कॉल ऑफ ड्यूटी सेम स्पेलिंग जो मैं लिख रहा हूँ वही सर्च करे तो वो गेम जीत जाएगा, नहीं तो वो नहीं जीत पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे और भी गेम्स की मैं फोटो लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूट्यूबर का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिख देता हूँ गेस द यूट्यूबर, क्वेश्चन हमारा आंसर में लिख देता हूँ MR बीस्ट, यानी मिस्टर बीस्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंड जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारा आ जाएगा। एंड इसी तरह कर करके आपको मिनिमम 20 लेवल्स बनाने होंगे, इसमें 20 लेवल रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना एक चैनल का लोगो लगा लिया, यानी गाइस हम भी गेम में आ जाएंगे। तो या गाइस ये रहा हमारा चैनल। एंड आप अपना खुद का चैनल लोगो भी अगर आप डाल सकते हो अगर आपका है तो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप गज द यूट्यूबर, गज द गेम, गज द लोगो, गज द फूड आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुल 6 लेवल बनाया, आपको यहाँ पे शो भी करो होगा 6 लेवल। बट यहाँ पे देखो जैसे मैं आप जनरेट गेम पे जाऊंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर गेम मस्ट बी एट लीस्ट 20 लेवल्स, यानी गेम में एट लीस्ट मिनिमम 20 लेवल रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे आप साउंड ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको साउंड भी दिख जाएगा, आप साउंड अपनी मर्जी से अपलोड कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा रिसेट टू डिफॉल्ट रखो, क्योंकि अच्छे साउंड देता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको लोगो सिलेक्ट कर लेना, लोगो आपका किस तरीके का होगा, आपके बॉर्डर्स का कलर क्या होगा सब आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका लोगो जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। एंड यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पे सेटिंग पे आपको नाम वगैरह देखने को मिल जाएगा, आपका गेम का जो भी नाम होगा वो चेंज कर सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गज द इमोजी लिख देता हूँ या गज द थिंग्स लिख देता हूँ, यानी चीजों को गेस करो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालना जरूरी है। एंड जो ईमेल आप यहाँ पे एंटर करोगे वो उसी ईमेल पे आपका जो है गेम का लिंक आएगा डाउनलोड वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे लिंक, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक है गेम की और यहाँ पर आपको पॉलिसी का कुछ लिंक मिल जाएगा, उसको आपको छोड़ देना। एंड यहाँ पर मोनिटाइजेशन पे भी आ जाओ, यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल प्ले का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे उसको हाथ कर डायरेक्ट भी गूगल प्ले पे अपलोड कर सकते हो अगर
आपका गूगल कॉन्सोल अकाउंट है तो, एंड एड मॉप अकाउंट है तो उससे आप एड वगैरह भी चला सकते हो, लाइक यहाँ पे ऐप आईडी वगैरह अगर आपकी क्रिएटेड है तो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। बाकी वो कैसे करना है उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड यहाँ पे जनरेट गेम पे मैं क्लिक करूंगा लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा 6 लेवल है, तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ 20 लेवल कंप्लीट कर देता हूँ पहले। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, 20 लेवल पूरे के पूरे कंप्लीट कर दिया, एंड गेम मैंने थोड़े बहुत चेंज कर दिया। एंड यहाँ पे जनरेट गेम का हमारा ऑप्शन अनलॉक हो चुका है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर नॉट एंक्स पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको कैसे करना है सब आपको जानना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग में आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद यानी 10 से 15 मिनट बाद आपका गेम रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही गेम रेडी हो जाएगा तो आपको अपने जीमेल पर आ जाना है। एंड जीमेल पर यहाँ पर आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको माय गज द पिक जो गेम का नाम है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉलो द लिंक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा आ जाओगे अपने डाउनलोड वाले बटन पे, जहाँ पर आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से 3 आपको फॉर्मेट दिख रहे होंगे, तो आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे आप कर देना, यानी मेरे को एपीके में करना तो मैं सेंटर वाले पे क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप अप्रॉक्स 20 सेकंड्स यहाँ पर आपको लेगा डाउनलोडिंग में, तो 20 सेकंड बाद आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे जो है हमारा एपीके डाउनलोड होना शुरू हो गया है, तो मैं आपको फुल शो करके दिखा रहा हूँ। तो देखो गाइस हमारा एपीके है, ठीक है, बंडल 1 एपीके। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास पहले से ये डाउनलोडेड है। सो मैंने क्या करा, कंप्यूटर में जो एपीके डाउनलोड करा था उसको ट्रांसफर कर दिया मोबाइल में। एंड आपको सिंपली आ जाना है अपने फोल्डर पे जिसे मैं डाउनलोड पे आया था, आपका जहाँ पे भी आपका एपीके ट्रांसफर हुआ था वहां पर आपको आ जाना है। तो मेरा डाउनलोड में होता, मैं सिंपली डाउनलोड में आ गया हूँ। एंड यहाँ पर आपको बंडल एपीके देख सकते होगा, इसको जिस तरीके से दिख रहा है, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो फटाफट से मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये रहा हमारा माय गज़ पिक नाम का एपीके, फटाफट से ओपन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, यहाँ पे गेम हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे मिशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिशन दिख जाएंगे, 10 लेवल कंप्लीट करनी है, विन एनी ड्यूल्स और भी बहुत सारे मिशन दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे पहले 10 लेवल खत्म कर लेता हूँ। कंप्लीट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड आ गया तो कम लेटर है, बट मुझे पता है गेम का नाम क्या है तो मैं एंटर कर दूंगा सिंपली। सो ये वेबसाइट आपको कैसी लगी, नाम है इसका क्विक ऐप निंजा, जाके सर्च कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, एंड ये है मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर अब तक का, तो उस ऐप का नाम है हमारा सैंडबॉक्स गेम मेकर। सो फटाफट से चलते हैं सैंडबॉक्स गेम मेकर। यहाँ पर आपको सिंपली एक माइनक्राफ्ट की तरह इंटरफेस दिखेगा, आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपको रखना है आपका जो गेम जिस तरह का है वो चीज आप ऐड करते रहो। लाइक मेरा जो गेम है वो है थोड़ा सा ओपन वर्ल्ड गेम है घूमने फिरने वाला, तो मैं थोड़ा बहुत हाउसेस वगैरह रोड्स वगैरह ऐड कर लूंगा और बिल्डिंग्स वगैरह ऐड कर लूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इधर थोड़ी सी आइस वगैरह ऐड कर लूंगा तो क्या थोड़ा लुक आएगा, ठीक है, अच्छा सा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर फ्लावर्स ऐड करना चाहो तो फ्लावर्स ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगे, लाइक जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मिट्टी यानी डर्ट वगैरह ऐड कर लेता हूँ, लाइक जैसे माइनक्राफ्ट की तरह है वो, ये जो गेम इंजन है वो सिमिलर है माइनक्राफ्ट से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत और चीजें ऐड कर लूंगा, कॉइंस ऐड कर लेता हूँ तो स्कोर वगैरह बढ़ाने के लिए। एंड यहाँ पर कुछ पिकअप्स है जिसको मैं ऐड कर लेता हूँ, एंड ग्रासेस वगैरह ऐड कर लेता हूँ फॉर द बेस्ट लुक। एंड यहाँ पर कुछ मैं स्टेच्यूज वगैरह ऐड कर लेता हूँ, तो सिंपली देखो गाइस कुछ से ड्रैगन ड्रॉप आपको ऐड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी तक मैंने कोई कोडिंग का यूज नहीं करा, एंड कोडिंग आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ी बहुत व्हीकल्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ, रोड्स पे जो व्हीकल्स वगैरह होती है वो भी ऐड कर लेता हूँ हाथ के हाथ। उसके बाद यहाँ पे गेम को प्ले करते हैं, देखते हैं हमारा गेम कैसा है। तो ये हमारा कैरेक्टर है, मैंने गेम को प्ले कर दिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ओपन वर्ल्ड गेम है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सिटी टाइप का गेम है, लाइक जैसे ये सब कैरेक्टर है जो ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिल जाएंगे, यानी इसमें बताया गया है कि आपको जो है चीजें वगैरह कलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जो भी चीज आपको पड़ाव मिल रहा है बस उठाते रहो, पिकअप्स वगैरह ऐड करी। सो इस गेम में आपको कुछ नहीं करना, बस स्कोर कलेक्ट करने हैं, एंड जो एनिमीज वगैरह अगर होते हैं तो उनको आपको मार देना है। सो ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, जो कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है सोबा गेम मेकर। सो फटाफट से चलते हैं सोबा गेम मेकर में। सो गाइस यहां पे हमारा सोबा गेम मेकर जो है स्टार्ट हो गया। एंड यहां पर आपको सिंपली सबसे पहले साइन अप करना होगा, तो आप अपना जीमेल अकाउंट से साइन अप कर देना। सो यहां पे मेरा कैरेक्टर ये रहा, एंड मैंने अपना नाम रख दिया, तो इंटरव्यू नेम मैंने जैन नाम का कुछ लिख दिया। तो यहां पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स वगैरह दिख जाएंगे जिनसे आप इंस्पायर होकर गेम बना सकते हो, लेकिन हम लोग सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पर मेक न्यू गेम पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा कि एक न्यू गेम हमारा न्यू मैप रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर देंगे। सो यहाँ पर आपको मल्टी टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, यानी आपको कौन सा गेम बनाना है, किस टाइप का गेम बनाना है। कलेक्ट ऑल यानी ऑल कॉइन कलेक्ट करो आप जो है गेम, जो कि फ्री प्ले यानी ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम होगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, सिंपली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से जो है शुरुआत करेंगे। तो हम लोग जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग होगी, एंड जब लोडिंग हो रही होगी तो आपको
आपको देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा होगा अर्ली अल्फा, यानी जो गेम है ये अभी डेवलपमेंट में चल रहा है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें ग्लिचेस वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मैप है वो आ चुका है, एंड इसको थोड़ा कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, यानी इसको आपको जूम आउट या जूम इन करना तो आपको टू फिंगर का यूज करना पड़ेगा, एंड अगर आपको कुछ इस तरीके से रोटेट करना तो भी आपको टू फिंगर का यूज करना पड़ेगा, एंड अगर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रोटेट करना है तो आपको एक फिंगर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, एंड यहाँ पर सिंपली इधर आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं कोई भी रेंडम बिल्डिंग से रख लेता हूँ, एंड टू फिंगर से कुछ इस तरीके से इसको कर देता हूँ, एकदम टॉप पर व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग को प्लेस करता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा इधर राइट में कर लूंगा। तो अब इसको डुप्लीकेट लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट ले, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पर बिल्डिंग ले लूंगा, एंड इसको इधर प्लेस करूंगा, एंड इसको क्या करूंगा, रोटेट कर लूंगा। रोटेट करने के लिए इधर पे क्लिक करना है, रोटेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन बॉर्डर जो है रेडी हो चुका है, एंड अब हम लोग क्या करें, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर लेंगे, लाइक ट्रीज ऐड कर लेते हैं। तो ट्रीज में यहाँ पर ले लेता हूँ, ये वाला ट्री ले लेता हूँ मैं, ट्री हम लोग सिंपली ऐड कर लेते हैं, एंड कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रीज वगैरह ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और चीज ऐड कर लेंगे, लाइक अगर मैं इसको गार्डन टाइप कुछ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं बेंचेस वगैरह ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं बेंचेस वगैरह ऐड कर लेता हूँ, एंड जो अगर आपको बेंच को बड़ा करना है तो यहाँ पर आपको इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो बेंच का साइज बड़ा हो रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो छोटा होगा, तो बड़ा कर देता है, एंड यहाँ पे ये ऐड कर लेते हैं इसके बराबर में, एंड एक व्हीकल ऐड कर लेते हैं, रेंडमली रख रहा हूँ। ठीक है, इधर पे हम लोग को पिकअप्स मिल जाएंगे, तो पिकअप में हम लोग क्या करेंगे कि चिकन ले लेते हैं, चिकन को यहाँ पे रख देते हैं, चिकन जो है हमारी उठाने वाली है, यानी ये हम चिकन को ले सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से हमारा स्कोर का काम करेगा, तो सिंपली यहाँ पे चिकन को हर जगह प्लेस कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आपको हाउसेस भी दिख जाएंगे, तो हाउस वगैरह ऐड करना चाहो तो कर लेना। ठीक है गाइस, तो एक और हाउस है हमारा, तो इसको भी ले लेते हैं फटाफट से, इसको भी इधर लगा लेंगे, एंड इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सो अब सही लग रहा है क्योंकि इसका गेट पीछे की तरफ था। ठीक है, सो ये हमारा अभी जो डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे इतने ज्यादा आइटम्स इसमें अभी नहीं है, तो जैसे यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट होगा तो इसमें आइटम्स बहुत सारे आ जाएंगे, एंड आई थिंक मैंने इतना लगा दिया, बहुत है, मैं प्ले करता हूँ गेम को। सो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा गेम रेडी हो चुका है, एंड यहाँ पे जो चिकन है उनको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली जो इनके पास जाऊंगा तो यहाँ पे कलेक्ट कर लूंगा, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलेक्टेड भी लिखा हुआ आ रहा है, एंड हमारा टू स्कोर भी आपको ऊपर शो कर रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारी नीचे हेल्थ बार भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, एंड यहाँ पर हम लोग इस बटन से जंप कर सकते हैं, और इस बटन से हम लोग थोड़ा सा ऐसे स्पीड में फ्लाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये डबल जंप कर सकता है। ठीक है, बट गाइस अगर आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन में बस इतना ही सब कुछ है तो यहाँ पर आप गलत हो, क्योंकि गाइस इसमें एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, एंड यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो आप अलग ही दुनिया देख पाओगे, यानी गाइस ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इस एप्लीकेशन का 10% भी नहीं था। एंड अगर आपको इस ऐप का फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, बोर्ड एग्जाम्स के बाद मैं वीडियो बना दूंगा, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 प्रेयर फॉर एग्जाम, आल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, तेल लेने बल्कि बोली तो दिया।